अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियो, मैं हूँ इजहार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और साथ में उम्मीद भी रखता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे अच्छे से कामों में खूब अच्छी तरह से बिजी होंगे। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक अगेन फिर से बर्ड्स के बारे में है। मेरे बहुत से व्यूवर्स शिकायत करते हैं कि आप बर्ड्स के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं देते, तो आप उस पर भी इन्फॉर्मेशन दिया करें। और ब्रीडिंग बॉक्स के बारे में मुझसे पूछा गया, मुझे पिक्चर सेंड की गई मेरे फेसबुक पर, उन्होंने बर्ड्स के केज में ब्रीडिंग बॉक्स लगाया हुआ था, लेकिन वो छोटे साइज का था। जो आपको ये कोठी बनी हुई ऊपर नजर आ रही है, घर बना हुआ नजर आ रहा है, ये वाला उन्होंने 25 तोतों के लिए फिट किया हुआ था, लेकिन मेरे दोस्त ये उसमें नहीं रह सकती। जो ये बेसिकली जो आप ये देख रहे हैं बॉक्स, ये कौन सा, ये वाला बेसिकली फिंचिस के लिए होता है, मतलब चिड़ियों के लिए। ये आप बच्चे तोतों के लिए यूज़ नहीं कर सकते, ये काफ़ी छोटे साइज का है, तो इसके अंदर वो ब्रीड नहीं करेंगे, आप समझ रहे हैं ना। तो आप ये जस्ट फिंच के लिए रख सकते हैं, और बर्ड्स के लिए, मतलब के बच्चे तोतों के लिए जो बॉक्स यूज़ किया जाता है वो ये है, ये देखिए, ये है वो बर्ड्स के लिए यूज़ किया जाने वाला, जो आई थिंक ये अभी टूटा हुआ है, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ बेसिकली होता कैसा है। ये देखिए, ये काफ़ी बड़े साइज का है, इसके अंदर तोता चला भी जाता है। यहाँ पर एक स्टिक लग जाती है, एंकर करने के लिए सपोर्ट मिल जाती है, तोते को बैठने के लिए यहाँ पर वो बैठ भी सकता है और अपनी फीमेल को फीड भी करवा सकता है। और साइड पर इसके एक बॉक्स बना होता है, एक डोर बना होता है, जिसको हम थोड़ा सा घुमाएंगे और ये पकड़ के खोलेंगे, तो मेंटेनेंस का ख्याल बहुत इजीली हम रख सकते हैं। इसके अंदर हम मेंटेनेंस देख सकते हैं कि कितने अंडे आ गए हैं और कितने बच्चे निकल आए हैं, कितने अंडे डैमेज हैं। हम सफाई भी कर सकते हैं इजीली और बच्चों को पकड़ भी सकते हैं, जिस तरह मेरा आपने देखा होगा ऑलरेडी वीडियोज़ में कि मैंने कैसे पकड़ता कैसे हूँ मैं अंडों को और चेक कैसे करता हूँ। तो ये बॉक्स जो है ये बच्चिस के लिए माना जाता है, ये जस्ट बच्चिस के लिए, ये लव बर्ड के लिए भी नहीं है। मतलब लव बर्ड कौन सा लव बर्ड आपको दिखाऊं, लव बर्ड ये देखिए, जिस तरह ये है, आप इनको, इनके लिए ब्रीडिंग बॉक्स बड़े साइज का होता है थोड़ा सा, लेकिन जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वो जस्ट बच्चिस तोतों के लिए है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ लग गई होगी कि बर्ड्स के लिए कौन सा बॉक्स होता है और फिंचिस के लिए कौन सा बॉक्स होता है। फिंच के लिए ये है, मतलब चिड़ियों के लिए ये है, जिस तरह के ये वाइट जावा है, ये चिड़ियाँ हैं, इसको फिंचिस बोलते हैं, वाइट जावा, इस साइज़ का, इसके लिए ये वाला जो घर बना हुआ है ये वाला इसके लिए है। और जो बड़ा वाला केज बॉक्स है, ब्रीडिंग बॉक्स है, ये बच्चिस तोतों के लिए है। उम्मीद करता हूँ आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कौन सा बॉक्स किसने यूज़ करना है। वेल, अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा।